लिया, अब गणेशा का टर्न होइंग। हाँ, अब मैं ऐसी जगह छुपूंगा कि तुम मुझे ढूंढ ही नहीं पाओगे। पर गणेशा, इस बार तुम कोई गैजेट मत यूज करना, वरना तो हम तुम्हें कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे। मैं कहाँ गैजेट यूज करता हूँ। ओके ओके ठीक है, चलो सब लोग छुप जाओ, मैं 10 तक गिनूंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखना, सबको ढूंढ कर रहूंगा। पलंग के नीचे कौन है? शुक्र। ये पहले से शक था, तुम बच्चों में कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ पकड़ लिया मैंने तुम लोगों का राज इस कैमरा में। कौन सा कैमरा? ये रहा, अभी मेरे विनिया दादी को दिखा जाओ। गणेशा कुछ करो। गैजेट यूज करूं? हाँ हाँ कुछ भी करो। तुमने कहा था कि गैजेट मत यूज करना, पर तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक स्मृति भूलक यंत्र है। अब जुकी भैया अपने पिछले 15 मिनट तक की मेमोरी को भूल जाएंगे। जुकी भैया, अब ये वीडियो डिलीट करता हूँ। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मुझे तो खाना पकाना था। जुकी भैया आपका मोबाइल। मेरा मोबाइल तुम्हारे पास? ये क्या रहा है मेरे साथ? क्या हुआ, काम हो गई ना? जुकी भैया की मेमोरी मिटा थी ना? हाँ, बाप रे आज तो बाल बाल बच गए। जुकी भैया ने बताया तो नहीं ना दादी को? जुकी भैया दादी के रूम में घुसने ही वाले थे कि हम टाइम पर पहुंच गए। तुम्हारे गैजेट का तो जवाब नहीं गणेशा। कौन गणेशा? हाँ, तुम्हारा नाम गणेशा है? अरे क्या गणेशा, तुम भी कितना मजाकिया हो। ओके, तो मैं चलता हूँ, बाय बाय। अरे रुको, हैं? तुम कौन हो? मैं गुरु। गणेशा ये क्या बोल रहा है, वो तुमको बोल गया? ये क्या किया बुध, तुम इस यंत्र पर बैठ गए जिसकी वजह से उसका बटन गणेशा की तरफ दब गया। जितनी देर ये बटन दबा रहेगा उतनी याददाश्त जाती रहेगी, और तुमने तो इसकी पूरी याददाश्त मिटा दी। अब क्या होगा? तुम लोग कौन हो? हम सब तुम्हारे दोस्त हैं गणेशा। अगर तुम सब मेरे दोस्त हो तो मैं तुम्हें पहचान क्यों नहीं पा रहा? अब क्या करें, इसे तो कुछ भी याद नहीं। अगर किसी और की याददाश्त गई होती तो गणेशा की मदद से वापस आ जाती। पर अब तो खुद गणेशा की ही चली गई है। पर ये सोचो कि अब गणेशा को हम कैसे संभालेंगे। गणेशा से ही पूछते हैं। अरे गणेशा कहाँ गया, किसी ने देखा तो गड़बड़ हो जाएगी। ये कौन सी जगह है? हाँ, ये अंकल थोड़े भले से दिखते हैं, इनसे ही जाकर पूछता हूँ। गणेशा, अब मैं उसे रोकता हूँ। ये क्या बदतमीजी है, तुमने मुझे ऐसे क्यों खींचा? तुम कमरे में चलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। नहीं, मुझे जाना है, मैं उस अंकल से पूछ लूँगा। अब क्या करूँ? आइडिया, सुनो सुनो गणेशा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, इसे खाकर देखो, तुम्हें बहुत पसंद है। टेस्ट तो ठीक ठाक है, पर इसमें वो बात नहीं है। ऐसे मोदक और चाहिए, तो चलो हमारे कमरे में। अच्छा ठीक है। अब इस मोदक के भरोसे कब तक गणेशा को रोकेंगे? जब तक गणेशा की याददाश्त वापस नहीं आती, हमें उसे रोकना ही होगा कैसे भी। तुम ये मोदक कहाँ से लाते हो? कल्लू हलवाई के यहाँ से। तुम्हें पसंद आए उसके मोदक? टेस्ट तो ठीक है, पर इसमें वो बात नहीं है। मुझे और मोदक चाहिए, मुझे भूख लग रही है, भूख लग रही है, भूख लग रही है। मैं खुद लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, तुम कहीं मत जाओ, हम ला कर देते हैं तुम्हें। अरे मोदक तो और खिलाने पड़ेंगे, तो दादी को बोलिंग मदद करने के लिए। गणेशा तुम यही बैठना, हम अभी मोदक लेकर आते हैं। दादी हमें मोदक खाने का बहुत मन कर रहा है, प्लीज बना दो ना। अरे कल ही तो तुमको मोदक बना के खिलाया था, आज फिर से। दादी आप इतने अच्छे मोदक बनाते हो कि बार बार खाने का मन करता है। ठीक है, कल पक्का बना कर दूंगी। कल तक तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हैं? क्या गड़बड़ हो जाएगा? मेरा मतलब है पेट में गड़बड़ हो जाएगी। कुछ गड़बड़ नहीं होगी, आज वैसे भी मुझे बहुत सारा काम है, कल पक्का बना के दूंगी। ओके ओके।
गणेशा कहाँ गया? मुझे लगता है वो जरूर मोदक के लिए कल्लू हलवाई के पास गया होगा। ओ, कहाँ है ये कल्लू हलवाई की दुकान जहाँ से मोदक मिलेंगे? क्या चाहिए बेटा? वो सोन वाला टॉय। ये क्या है? कल्लू हलवाई के पास चलो जल्दी। अरे ये क्या है? पापा आपने मुझे वो टॉय नहीं लाके दिया ना, मुझे वो टॉय चाहिए चाहिए चाहिए। कहाँ गया गणेशा? अरे जहाँ मोदक होगा गणेशा भी वही होगा, ढूंढो उसे। बेटा वो कुछ और था, सून वाला टॉय नहीं था। लगता है इन्होंने भी गणेशा को देख लिया है, इनकी मेमोरी इरेज करनी होगी। पापा मैं रो क्यों रहा था? कहाँ गया वो खिलौना? ओहो इसने भी देख लिया। अरे पर मैं यहाँ क्यों रुका हूँ और मेरे ऑटो की ऐसी हालत किसने की? वाह मोदक, मुझे मोदक दो जल्दी जल्दी जल्दी। सूट वाला मास कितने चाहिए? 10 मोदक दे दो। अरे बाबा पहले पैसे तो दो। कौन से पैसे? तो फिर कौन से मोदक? ये मोदक। तो फिर इस तरह वाले पैसे जो मेरे पास हैं। पैसे तुम्हारे पास है तो मुझसे क्यों मांग रहे हो? दो मोदक। अरे वो रहा गणेशा। अरे ये क्या, ये तो बिना पैसे दिए मोदक खा रहा है। अभी पुलिस को फोन करता हूँ। हेलो पुलिस स्टेशन। आप पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं? पुलिस स्टेशन? अच्छा अच्छा पुलिस स्टेशन में भी मोदक भिजवाने हैं क्या? अभी भिजवाते हैं। ये क्या, अभी तक मोदक बने नहीं है? अरे रामू मोदक क्यों नहीं बनाया अभी तक? गणेशा अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरे फन सिटी की मेमोरी भुलानी पड़ेगी। कहाँ है गणेशा? गणेशा तो वहाँ होएंगे। लगता है गणेशा मोदक के बिना घर नहीं आने वाला। गणेशा ये लो मोदक। मोदक तो पहले चलो घर। तो ठीक है चलो। ऐसा कब तक चलेगा? इसका कोई तो इलाज होगा। मेरे पास एक आइडिया है। जैसे फिल्मों में होता है कि अगर सेम इंसिडेंट फिर से रिक्रिएट किया जाए तो शायद उसे देखकर गणेशा की मेमोरी वापस आ जाए। आइडिया तो अच्छा है पर इसके लिए जुकी को फिर से सीन में लाना होगा। क्यों फिक्र कर रहे हो, हमारे पास वो यंत्र है ना। ओके शुक्र, जब सब छुप जाएंगे तब तुम जुकी भैया को लेकर आना। ओके गणेशा लुका छुपी खेलोगे? हाँ वो क्या होता है? मैं बताता हूँ ना, तुम्हें यहाँ छुपे रहना है ताकि कोई तुम्हें देख ना सके। 1, 2, 3, 4। बंगला तुम्हारा यंत्र तैयार हो ना? हाँ जैसे ही जुकी भैया दिखेंगे मैं झट से चला दूंगी। 10 सब तैयार। अरे सब लोग कहाँ हैं? बच्चों को आज मोदक खाने का बहुत मन था, उन्हें अपने हाथ से मोदक देकर सरप्राइज कर दूंगी। बच्चों दरवाजा खोलो। ये क्या, दादी आ गई? मंगला तुम अपना यंत्र तैयार रखो। अरे यंत्र की बैटरी खत्म हो गई। मंगला कुछ करो। कुछ नहीं हो रहा है। मिल गई वो बात, गणेशा को छुपाओ। तो ये सब क्या है? कुछ नहीं दादी, बस ऐसे ही। पकड़ लिया। जुकी चलो यहाँ से। दादी सुनो तो। थैंक यू दादी। गणेशा तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई? हाँ जैसे ही मैंने दादी के हाथ के बने मोदक की खुशबू सूंघी तभी मेरी याददाश्त वापस आ गई। अरे हाँ दादी के हाथ के मोदक की तो बात ही कुछ अलग है।